हज़रत सैयद महबूबुर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह का 8वें उर्स के पहले दिन क्लासिकल नाइट हुई। राग मल्हार गाने के साथ ही बारिश का दौर हुआ शुरू। सभी फनकारों ने अपने फन का किया जबरदस्त मुजाहिरा। संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में हजरत सैयद महबूबुर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह के 8वें उर्स बड़े धूमधाम से शुरू हुआ। उर्स के पहले दिन क्लासिकल प्रोग्राम के फनकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इनमें रहमान हरफन मौला ने पहले अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। बॉलीवुड फेम गज़ल गायक जावेद हुसैन ने सज्जादा नशीन डॉक्टर नियाजी की लिखी गज़ल को शानदार अंदाज में पेश किया। मशहूर मारूफ बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद अमान ने क्लासिकल नाइट में अपनी प्रस्तुति देकर महफिल का समा बांधा। राग यमन के साथ राग मल्हार भी गाया और बारिश का दौर शुरू हुआ। मुंबई आकाशवाणी से रिटायर्ड अनवर हुसैन नीलू ने संतूर वादन के साथ मेहराज हुसैन तबले पर शानदार उन्होंने संगत दी। इंटरनेशनल फेम और वायलिन प्रिंस गुलजार हुसैन ने अपने वायलिन का फन दिखाया और मेहराज हुसैन ने तबले पर शानदार संगत दी। दोनों की शानदार जुगलबंदी रही। गुलजार ने वायलिन पर कई तरीके की बंदिशें पेश की। वरिष्ठ पत्रकार इकबाल खान ने अपनी शानदार अंदाज में माइक को संभाला। आए हुए सभी फनकारों का जोरदार सम्मान किया गया। उन्हें मेमेंटो शॉल उड़ाकर डॉक्टर नियाजी ने सम्मानित किया। डॉक्टर नियाजी ने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक सूफियों की देन है और आज वो खानकाहों से काफ़ी दूर है। ये तीसरा साल है कि उर्स के मौके पर क्लासिकल नाइट म्यूजिक रखी गई। इस मौके पर देश के मशहूर मारूफ फनकार आते हैं और अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। फैज़ुर्रहमान नियाजी ने कहा कि पहले दिन क्लासिकल म्यूजिक के फनकारों ने जबरदस्त महफिल का समा बांधा। लेकिन ये एक तरीके की रूहानी गजा है। उसका मतलब ही उनके लिए रात भर होना जरूरी था। और मैं खास तौर से फनकार जो यहाँ आए, मोहम्मद अमान, मोहम्मद जफर, शुएब साहब, नीलू साहब और ऐश्वर्य आर्य। Thank you.